हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस, जिसको हिंदी में काल भी कहा जाता है, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें, ये कहाँ से आया है? ये लैटिन वर्ड टेम्पस से आया है, जिसका मतलब होता है टाइम। ये बेसिकली टाइम को शो करता है। लेकिन टेंस पढ़ने से पहले हमें ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि टाइम और टेंस, ये दोनों टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। टाइम की अगर हम बात करें तो ये एक नेचुरल कंसेप्ट है, और टेंस की अगर हम बात करें तो एक ग्रामेटिक कंसेप्ट है, जो कि इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ते हैं। और ये इसलिए पढ़ा जाता है ताकि आप लोग जो है इंग्लिश को अच्छे से लिख सके या पढ़ सके या बोल सके। अच्छा, ये दोनों टोटली अलग कैसे, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह कल आ रही है, ये कब आने वाली है? वह कल आने वाली है। अगर इवेंट की बात करें तो टाइम इवेंट कब का है? फ्यूचर का है, मतलब कल आने वाली है वो। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इस पर टेंस का रूल लग जाता है, तो वो रूल लगता है प्रेजेंट का। इसको हम प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड करते हैं, ना कि फ्यूचर में, है ना। सी इज कमिंग टुमारो, तो ये रूल आपके प्रेजेंट के हिसाब से आ जाता है। सेम ऐसे ही राम कल दिल्ली जा रहा है, कब जाने वाला है? कल जाने वाला है। लेकिन सेम वही फ्यूचर इवेंट हुआ है ये भी, लेकिन जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये भी प्रेजेंट के अंदर आ जाता है। राम इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो ये हमेशा याद रखना कि टाइम और टेंस जो है दोनों टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। टेंस को सिर्फ हम इसलिए सीखते ताकि हम इंग्लिश को अच्छे से लिख सके या बोल सके। अच्छा, अब आ जाते हैं टेंस पर। टेंस अगर हम बात करें तो टेंस होते हैं आपके बेसिकली तीन प्रकार से। कौन कौन से टेंस है? सबसे पहला आपका पास्ट, है ना, जिसको हम भूत भी बोलते हैं। फिर प्रेजेंट, जिसको वर्तमान बोलते हैं, जो अभी चल रहा है। और फ्यूचर, भविष्य, जो आने वाला है। तो पास्ट का एग्जांपल, जैसे मैं खेला, आई प्लेड। प्रेजेंट का हो गया मैं खेलता हूँ, आई प्ले। फ्यूचर का हो गया मैं खेलूँगा, आई शैल प्ले। अब हम इनको एक एक करके सभी को पढ़ेंगे।